हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के पश्चात ही अब बैंकों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष बदलने शुरू हो गए हैं। जिला सोलन मुख्यालय में द बघाट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद अरुण शर्मा को और उपाध्यक्ष किरण किशोर को बनाया गया। बघाट बैंक में कांग्रेस सरकार ने कांग्रेस समर्थित दो नॉमिनेट पार्षदों को स्थान दिया है, जिसमें हरदीप सिंह और गगन चौहान नॉमिनेट किए गए हैं। वहीं नवनियुक्त अध्यक्ष अरुण शर्मा ने प्रदेश मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है उस पर वे खरा उतरेंगे। उन्होंने कहा कि बैंक के विकास के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। आज बघाट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड का गठन हुआ है और सभी निदेशक मंडल के सदस्यों ने एक सुर से एक आवाज से मेरे को चेयरमैन और किरण किशोर जी को वाइस चेयर बनाया है। मैं पूरे निदेशक मंडल का अपने दिल की गहराइयों से, क्योंकि यूनानिमसली हमारे को जो इन्होंने बनाया, इन सबका धन्यवाद करते हैं। और साथ ही हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो दो माननीय सदस्य थे वो उन्होंने भेजे, और आज के हमारे जो सीएम हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनका, मुकेश अग्निहोत्री जी और सभी का, और हमारे जो लोकल विधायक हैं कर्नल धनी राम चांडिल जी का, उन सब का मैं धन्यवाद करता हूँ। और अपने सारे जो शेयर होल्डर हैं, हम उनको एक संदेश देते हैं कि जैसे कि हम सब एक साल से इकट्ठे होकर काम कर रहे थे, आगे भी करेंगे और इस बैंक को बेहतरी की ओर उत्थान के लिए सभी निदेशक मंडल के सदस्य कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे।